हल्द्वानी की बात करेंगे। उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों की यूनियन गठन का विस्तार किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को संरक्षक, संतोष सिंह नेगी अध्यक्ष और आशुतोष कौशिक को महामंत्री निर्वाचित किया गया है। इस मौके पर शेष पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन भी किया गया। इस मौके पर भंडारण निगम के समस्त कर्मचारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में यूनियन के नव निर्वाचित सदस्यों से नई कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही, साथ ही कर्मचारियों के हितों के लिए भी वे हर संभव प्रयास करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राज्य भंडारण निगम जिसके माननीय अध्यक्ष श्री संतोष सिंह नेगी जी को सर्वसम्मति से आज जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैं इनको और इनकी पूरी टीम में जितने चयनित लोग हैं, पदाधिकारी हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इनके नेतृत्व में समस्त कर्मचारी पूरे उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों में अपनी मांगों को रखने के लिए एक स्वर से एकजुट होकर और सरकार को सहयोग करते हुए अपनी बातों को रखेंगे। सौभाग्य से जो इनके मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और उनके पास ज्ञान का अपार भंडार है, मेरे ख्याल से हम कोई भी मांग धन सिंह रावत जी के सामने रखते हैं तो उसका निराकरण अवश्य होता है। माननीय अध्यक्ष जी से यही निगम में जितने भी लोग हमारे कर्मचारी हैं उनकी सब ज्वलंत समस्याओं का जो है निराकरण हेतु जितने भी निगम के हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं उनको रखेंगे और अपनी जो हमारी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है उसकी जो है जो समस्याओं को मुख्य जो ज्वलंत समस्याएं हैं हमारी उनको जो है निराकरण हेतु जो है प्रयास करेंगे कि वो 100% सफल हो जाएं। जो है 2016 में जब उत्तर प्रदेश सरकार से बदल के ये उत्तराखंड सरकार की ओर को जब गठित हुआ तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिए ही एक मुहिम करी गई है, जिसमें एक संरक्षण के तौर पे ठुकराल जी को हमने आज माननीय संरक्षक के रूप में अपनाया। राज भंडार निगम में जो कि निगम का जो उत्तराखंड निगम है उसमें दूसरे नंबर पे प्रॉफिट पे है। आज हमारी कर्मचारी यूनियन की एक आपसी बैठक हुई जिसमें हमें चुनाव होना था, जिसमें मुझे अध्यक्ष रूप से और आशुतोष कौशिक को महामंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।